हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड वी आर रेडी टू स्पीक इंग्लिश नाउ। चलिए तो हम लोग तैयार है सभी लोग क्या अंग्रेजी बोलने के लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या करना है, हेजिटेशन को बाहर करना है। पिछले क्लास में आपने देखा, और आपने पिछले क्लास में एक और चीज देखा कि हम लोग को जो पालन करना है LSRW को पालन करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यही ना काम करना है। सुनना है, यानी कह सकते हैं कि देयर आर सो मेनी टॉपिक्स इन दिस वर्ल्ड लाइक दैट काउ, माय मदर, माय फादर, माय कंट्री, नहीं तो इस तरीके के जो आपके टॉपिक है उसको सुनना है। सुनने के बाद आपको बोलने का प्रयास करना है, और उसके बाद लिखना भी, पढ़ना है, रीडिंग करना है, और लास्ट में क्या करना है, राइटिंग करना है। यही ना काम करना है। मैंने सब एग्जांपल दिया था कि आपको सुनने के लिए क्या करना है, रेडियो से, टेलीविजन से, नहीं या आप मोबाइल से अपने सुनेंगे। रीडिंग के लिए मैंने कहा था, और बोलने के लिए कहा था कि आप मिरर के सामने पहले क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल खड़े हो जाएंगे, नहीं स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, सामने उसके खड़े हो जाना है, और उसके बाद कुछ शब्दों में बातें करना है, करेक्ट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रीडिंग करने के लिए न्यूज़पेपर या किसी अंग्रेजी का बुक हो उसके माध्यम से पढ़ेंगे, और लास्ट में जो आपके मन में विचार आते हैं उसको अंग्रेजी में क्या करना है, लिख देना। अब गलत सही नहीं समझना है, क्या आप गलत बोल रहे हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग इट इज नॉट मैटर, यानी जो सही है कौन सा गलत है इसका कोई मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात, आप जब भी कहीं भी रहे तो ज्यादा कम्युनिकेट करें, किस चीज में, इंग्लिश में। बी ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, नेवर यूज हिंदी इन योर लाइफ विद इन 3 मंथ्स, नहीं 3 महीने तक ज्यादा कोशिश करना है क्या बोलने का, अंग्रेजी में बोलने का। तो आज से शुरुआत करते हैं और चलते हैं सबसे पहले एक चीज की ओर, और सबसे पहले होता है आपका जिसे हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, तो अभिवादन होता है, ग्रीटिंग्स इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन। सबसे पहले आप किसी को अभिवादन कैसे करते हैं, हिंदी में आप क्या बोलते हैं, आप पैर छूते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन क्या सिखलाती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी टच द फीट ऑफ एल्डर्स, बड़ों का पैर को छूना, ये हमारी संस्कार है। लेकिन आजकल संस्कार में कुछ और मिठास आ गया है, और लोग छूना है नीचे अंगूठा को छूते हैं ऊपर, नहीं ठीक है, तो ये गलत है। हम लोगों को अंगूठा छूना होता है नीचे, कोरोना काल आया इसके लिए टच करना मना है, डोंट टच माई, ना चलिए आगे। उसके बाद तो टच करना नहीं मना है, और दूसरी बात है कि अगर तो उसके बाद हम लोगों ने नमस्कार, ऐसे वाला नमस्कार सीखा, अमेरिकन्स को भी देखते हो ऐसे ही करता है नमस्कार, या और हाथ मिलाना, डोंट शेक हैंड विद अदर्स, दूसरे से हाथ मिलाना सख्त मनाही है, स्ट्रिक्ट प्रोविजन है ना, प्रोविटेड। तो ध्यान रखिएगा कि आप हाथ न मिलाए किसी से, किसी का अभी पैर तत्काल कोरोना में न छुए, नहीं दूर से ही ऐसे ही चलेगा नमस्कार, नहीं हमारी भारतीय सभ्यता। प्लस एक बात याद रखिएगा, हाथ अगर मिलाने की परंपरा चलेगी जब, तो उस समय भी लड़के लड़के से हाथ आसानी से मिला सकते हैं, लड़कियां मिला सकती है, लेकिन अगर किसी लड़के को लड़की से हाथ मिलाना हो तो फिर परमिशन लेना पड़ेगा। मे आई हैंड शेक विद हर, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूं, अगर कहता है यस प्लीज तो मिलाइए, कहता है नो थैंक्स तो, याद रखिएगा दो शब्द का याद रखेंगे, एक आएगा यस थैंक्स और एक आएगा नो थैंक्स, दोनों में थैंक्स ही आएंगे, मतलब हाँ धन्यवाद जो आपने पूछा मिलाइए शौक से, नहीं, और नहीं आपने पूछा तो उसका जवाब है नहीं, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, करेक्ट, यही दो शब्द आएंगे। लेकिन आप किसी से व्यक्ति से भी हाथ मिलाना चाहते हैं, अगर वह हाथ आगे बढ़ाता है तभी हाथ बढ़ाइएगा, अन्यथा जबरदस्ती मत बढ़ाइएगा, लड़का हो या लड़की हो। दूसरी बात, अगर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, मे आई, ठीक है, शेक विद योर हैंड, या मे आई हैंड शेक विद यू, क्या मैं आपके साथ हाथ मिला सकता हूं, तो पूछिएगा मे आई हैंड शेक विद यू, ठीक है, कोई दिक्कत, पूछ के ही।
तो ये पूछ कर करिएगा एस और नो। दूसरी बात, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में पूछता है, एनीबडी वांट्स टू नो अबाउट यू एनीथिंग, कोई भी चीज आपसे जानना चाहता है, तो वहां पे अक्सर मे का प्रयोग हम लोग करते हैं। नहीं, जैसे मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूं, एक ही बात होगा, या तो एस थैंक्स, नो थैंक्स, ठीक है। अगर आपको मांगना हो कि क्या मैं आपका प्याज ले सकता हूं, कुड यू गिव मी सम प्याज, माने ओनियन, ठीक है, तो आप वहां पे बोलेंगे एस या नो। नहीं, और बोलने में कोई शर्माहट नहीं, बिल्कुल फ्रेश बोलेंगे, दिल के नहीं लेना, इमोशनल अत्याचार नहीं करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो एस बोलेंगे, नहीं लगता तो बिल्कुल क्या आएगा, नो आएगा, कुछ नहीं सोचना है, नथिंग टू थिंक, ओके। तो ये आपका छोटी छोटी बात यही मिलेगा। अगर आप लोग सोच क्या है कि हमको कुछ लिखाया जाएगा, एकदम से विद्वान बनाया जाएगा, तो भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे केवल जो होगी बातें होगी। ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड ट्राई टू अलॉट ऑफ वर्ड्स यूज इन योर लाइफ इन इंग्लिश, हमेशा क्या करना है। अब घर में भी, आपके घर में बहुत सारे चीज पड़ा हुआ है, जैसे नहीं, अगर आप घर में जैसे ही जाते तो आपको मिलती है एक, नहीं, पानी उठाने के लिए बहुत सारी चीज मिलती है, एक मग मिलती है, जग मिलती है, इंग्लिश में सब यूज करिए, मग में बोलिए, जग बोलिए, कटोरा मांगना है तो बाउल मांगिए, नहीं, और सब एक सिंपल है, अभी आप प्लीज लगा दीजिए, बाउल प्लीज मान कटोरा दीजिए, वाटर प्लीज वाटर दीजिए, नहीं, अगर आपको बकेट मांगना है तो बकेट प्लीज, सब यही चलेगा, केवल उसमें प्लीज प्लीज चलेंगे, काफी वर्ड यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने जाना एस और नो का प्रयोग कैसे करेंगे, और क्वेश्चन पूछने के लिए हमेशा मे आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, मे आई। जैसे अगर हमको कहना हो कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो आप लोग बोलते थे मे आई गो आउट, गो आउट, मे आई गो आउट, अगर कोई है सामने, कौन है उसके मतलब से, लड़का है तो सर का प्रयोग करना है, कोई भी लड़का है तो सर का प्रयोग करना है, और कोई अगर शादीशुदा लड़की ना हो, अनमैरिड गर्ल, कौन सी लड़की, अनमैरिड गर्ल। अब बाबू इसमें भी बड़ा चक्कर है, कहां से हम शुरुआत करें। यहाँ पे मिस का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और एक ऐसी लड़की जिसकी शादी हो गई उसको हम बोलेंगे मैडम, और बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि शादी शुदा है या नहीं है तो यूज करेंगे मैम, मैम, नहीं, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस मैम, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न जान सकता हूँ मैम, कहेगी यस थैंक्स, नो थैंक्स। अगर नहीं सुन रही है, बोले कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ मैम, तो वहां पे यूज करेंगे एक्सक्यूज मी मैम, ये बहुत प्यार से बोलना है, एक्सक्यूज मी मैम, जरा सुनिएगा मैम, तो उधर से बोलेगी एस, एस प्लीज, फरमाइए, नहीं, या बोल सकती है, अगर बोलते एक्सक्यूज मी मैम, यानी जरा ध्यान दीजिएगा मैम, तो उधर से बोली अगर, तो ऑफकोर्स बोल दी, बेशक, नहीं, या एस प्लीज, हाँ फरमाइए, वहां से क्वेश्चन बहुत सारे आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद पहले तो ध्यान कैसे लाएंगे अपनी तरफ, एक्सक्यूज मी, और मिठास होनी चाहिए आवाज में, किसी को बोलना है जैसे रोड पर जा रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, झरकटा दिए ओके एक्सक्यूज मी, एकदम प्यार से। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते हैं दुकान में, तो वहां पे क्या करते हैं, सिंपल सा आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी सर, मे आई बोरो दैट ड्रेस, नहीं मैं उसको लेना चाहता हूँ, या मैं क्या ले सकता हूँ, या कहिएगा कि प्लीज शो मी दैट शर्ट, या जो भी है ड्रेस, क्या, तो वहाँ पे दिखाएगा, प्लीज शो मी, मुझे दिखाइए, प्लीज शो मी, ठीक है, ओपन बंद सब करते रहिए, करेक्ट है। तो सबसे पहला दिमाग लगाना है एक्सक्यूज मी का, ठीक है, और एक्सक्यूज मी बोलता है तो सामने वाला बोलेगा एस प्लीज, या आपको बोल सकता है व्हाट कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूं या सकती हूं। तो इन सब चीजों को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, बड़ी समस्या दे रही है, करेक्ट है, तो इन सब चीजों को देखिएगा। लेकिन ये तो है एक ध्यान लगाने का तरीका, आज से शुरुआत हो जाएगा। सामने वाला अगर व्यस्त तो बोलेगा एक्सक्यूज मी, नहीं तो उधर से बोलेगा एस प्लीज, फरमाइए,
क्या चाहिए? What can I help you? मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? तो हम बोलेंगे, Please give me your introduction. अपना थोड़ा सा परिचय मुझे दिया जाए. अभी मैं आप लोगों का ना तो इंट्रोडक्शन लिया हूं, ना मैंने इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से दिया है. नहीं, सिंपल सा हम यही जानते हैं कि दिस इज विजय राजपूत फ्रॉम लर्नर आइज़ बाय वीआरपी के सौजन्य से आपको क्लास दी जा रही है. नहीं, लेकिन हम लोग उसका तरीका सीखेंगे. दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल. फॉर्मल का मतलब होता है जो अपने से बड़ों के साथ, अफसर के साथ, इज्जतदार लोगों के साथ पेश करते हैं, या जॉब के लिए आप जब देते हैं इंटरव्यू तो उस समय देते हैं. और जो आपका इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक, जो ऐसे ही बोल देते हैं जनरली, नहीं वो आपका होता है इनफॉर्मल. कहेगा क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में अभी तक नहीं आया. तो आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्लास, दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ लर्नर आइज़ बाय वीआरपी. तो आइए शुरुआत करें. सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ग्रीटिंग्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यही से शुरुआत होती है अंग्रेजी की. और सबसे पहले आप जानते हैं कि मैनर जो होता है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अगर आप क्रिश्चियन लोगों से मिलते हैं तो वो बोलता है सत श्री अकाल. नहीं, अगर आप इस्लाम लोगों से मिलते हैं, मुस्लिम लोगों से, तो वहां की शुरुआत होती है वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम. नहीं, अगर आप किसी हिंदू पुरुष से मिलते हैं तो वहां पे नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम ना, पाव लागू, क्या मजाक वाला. चलिए ये है आपकी. तो ग्रीटिंग्स की शुरुआत कैसे की जाए, सिंपल सी बात है. चलते हैं, सबसे पहले रात 12 बजे से शुरुआत करते हैं. 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक, ठीक है. फ्रॉम 12 o'clock नाइट टू 12 o'clock नून, दोपहर तक, ठीक है. 12 बजे दिन तक सिंपल सा वर्ड का यूज करते हैं और सभी को पता भी है, लेकिन बोलने का लहजा हम लोग सीखने आए हैं. आप लोग क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा बोला जाए, गुड मॉर्निंग. लेकिन जो आपने बोला वो बिल्कुल क्या है, गलत है. याद रखिएगा, जब किसी र से पहले अगर वोवेल लेटर आ जाए, याद रखेंगे, वी आर Try to learn spoken English. नहीं, we always try to speak English in the proper manner. अंग्रेजी सब बोलता है, लेकिन तभी सामने वालों को आप अट्रैक्ट करेंगे जब आपकी आवाज में क्या होगी, दो चीजें होगी. एक, सबसे पहले आपके अंदर से इनकरेज होगा, इनकरेजियस, उत्साहित होंगे. जब बोले तो लगे कि कोई आदमी बोल रहा है, मुर्दा नहीं बोल रहा है, ठीक है. आवाज में हमेशा एकदम से ऐसा होना चाहिए कि मरल लोग भी जग के सुने, बैठ जाए. जैसे मान लीजिए आप बीमार है, आपको पानी चल रही, बेहोश है, अब आ जाए भूकंप कस गया, शेर आ जाए, तब क्या होगा, कूद जाएगा वहां से, कहां से ताकत आ गई. वही इंग्लिश आपको एनर्जी देगी. एनर्जी गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी. देखिए तो कैसे देगा, बोलने का तरीका बिल्कुल मरल नहीं होना चाहिए, एकदम आवाज में दम होनी चाहिए, सामने वाले को लगे कि हम किसी से मिल रहे हैं, आदमी से मिल रहे, मनुष्य मिल रहे. तो कैसे शुरू कीजिएगा, सबसे पहले आर के पहले अगर वोवेल आ जाए, वोवेल लेटर कौन कौन है सबको पता ही है. नहीं, वोवेल लेटर होता है ए ई आई ओ यू, ये है आपका वोवेल लेटर. नहीं, ए ई आई ओ यू, अगर कोई भी आर हो और आर से पहले अगर वोवेल लेटर हो तो याद रखिएगा उस आर का साउंड जो हो जाता है आधा अ हो जाता है. यानी अब वह र न हो के क्या हो चुका है, अ, अ, आधा अ है, पूरा अ भी नहीं है, ठीक है. तो अब इसको अगर पढ़िएगा तो कैसे पढ़िएगा, आप पढ़ना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. लेकिन और अच्छा, अब बीच में यहां जगह नहीं रहेगा, अब ये क्या करेगा, दोनों कंबाइंड हो जाएगा और निकलेगा इस तरीके से, गुड मॉर्निंग इंडिया. सुनते होंगे, नहीं यही आवाज आती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. बोल के देखिए तो कैसे बोलते हैं आप लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यही है ना. अब आप लोग ऐसे ही बात करेंगे, गुड मॉर्निंग रवीना, गुड मॉर्निंग अभिषेक, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम वेरी फेल ना. इस तरीके से आवाज एकदम प्रॉपर ढंग से निकलना शुरू होगा. तो आपकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत हुई है गुड मॉर्निंग, आवाज में एकदम मिठास, ये सामने वाला के लगे कि बाप रे किससे मिल रहे हैं ना, एकदम चुभ जाए अंदर, आवाज में ये दम होनी चाहिए.
ठीक है, और अंग्रेजी बोलने वाले बहुत ही चालाक होते, चतुर होते, याद रखिएगा, क्योंकि जो अंग्रेजी बोलने वाले होते हैं वो हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सातिर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज चलता है। समझे निशा जी, समझ में आ रहे, एकदम बिल्कुल आ जाएगा, एक बार बोल के दिखाइए। अगर आपको रबीना से मिलना है तो कैसे गुड मॉर्निंग कीजिएगा बताइए, चलिए बोला जाए। अब शर्म गए, अब वो जवानी के दिन गए, चले सिंपल सा बोलेंगे, गुड मॉर्निंग रबीना, गुड मॉर्निंग रबीना, गुड मॉर्निंग, जैसे इंडिया वाला बड़ा अच्छा लगता है ना, गुड मॉर्निंग इंडिया, नहीं समझे तो मेरे साथ एक आवाज देंगे। मान लीजिए कि हमको मिला इंडिया से, भारत से, पूरा रेडियो पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, तो कैसे बोलेगा, गुड मॉर्निंग इंडिया। देखो आवाज में इसमें थोड़ा भी जगह नहीं आनी चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ड भी हल्का हो जाता है, नहीं तो ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग इंडिया, आवाज में मधुरता, बिल्कुल मधुरता, ठीक है। तो शुरुआत हो चुकी है, पहला शुरुआत है, देखो जानता सब है लेकिन उसको यहाँ आए हम लोग तरीका सीखने। गुड मॉर्निंग आप भी बोलेंगे, सामने वाला भी बोलेगा, लेकिन आपकी गुड मॉर्निंग स्पेशल होगी, उसकी गुड मॉर्निंग एकदम से बेकार होगी, गवारा होगी उसका, असभ्य होगा, जंगली की तरह। अब आप किसी का आप सुनेगा ना, बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, तो आपको लगेगा क्या बोल रहा है, तब तो हा हा कर दीजिएगा, आपको खुद हंसी लगेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आपको अंतर समझ में आया कि हम कहां पे है, तो सिंपल सा है, प्रैक्टिस करना है। अब सुबह में उठने के बाद आपके घर के हर सदस्य को अब यही करना है, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग ब्रदर, नाम पकड़ के, नहीं किसका राजा अगर भाई है तो बोले गुड मॉर्निंग राजा, बहन है तो गुड मॉर्निंग रीता, ये आवाज, आंख खुली आवाज आनी चाहिए। अगर दीदी है तो बोलो गुड मॉर्निंग दीदी, क्यों, अब कहिएगा दो चार दिन खराब लगेगा, शुरुआत बड़ी टेंशन से भरा है, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, लोग नए जगह पर जाना बहुत डिफिकल्टी महसूस करते, दर्द देता है, लगेगा कि अब प्राण उड़ा तो तब उड़ा, लेकिन जब उसमें चले जाएगा, रह लीजिएगा, मजा आने लगता, कहेगा ना हम ना आएंगे, अभी हम ना वो, अभी हमारा बहुत दुनिया देख ले लियो ना। तो ये है शुरुआत में, एक बार बोलिएगा घर पे गुड मॉर्निंग, पहला दिन खराब लगेगा, चलो मम्मी पापा को अभी नहीं बोलो, भाई को तो बोल सकते हो, मम्मी भी सीख जाएगी, बाबू सीख जाएगी, कल से वो कहेगा गुड मॉर्निंग बेटा, शुरू कर देगी वो भी, देखते 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 ना वो भी शुरू कर देगा, उसके बाद आदत हो जाएगी। अभी शर्म लगेगा, अभी मम्मी को बोले गुड मॉर्निंग मॉम तो आपको शर्म लगेगा अभी ना, लेकिन दो चार दिन बोल दीजिएगा ना, तो उसके बाद तो आदत, नींद खुलेगी, गुड मॉर्निंग मॉम कुछ हो ना, आम हो जाता है ना, हो जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करना है, गुड मॉर्निंग शुरुआत यहीं से होनी चाहिए, सुबह आंख खुली आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो बच्चों बोलेगा गुड मॉर्निंग, आदत डालिए, कोई दिक्कत इसमें, चलिए उसके बाद चलते हैं। 12 बजे दिन से शाम 5 या 6 बजे तक, चूंकि अब गर्मी का दिन है तो अब शाम 7 बजे तक रहती है, जनरली 6 बजे तक सूरज रहता ही है, नहीं तो 5 ठंडा में 5 बजे ला, शाम में 6 बजे तक, ठीक है। तो 12 बजे दिन से शाम 5 या 6 बजे तक हमारी आवाज आएगी गुड आफ्टरनून, लेकिन आफ्टर अब नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ र के पहले फिर वोवेल है, आधा आ जाएगा, दोनों कंबाइंड होगा, निकलेगा आवाज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, दोनों कंबाइंड, जगह नहीं आनी चाहिए, ऐसा ना कि गुड आफ्टरनून, नहीं गुड आफ्टरनून, अब र भी नहीं, गायब हो गया है, आपका साउंड आना शुरू हो गया है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है, बोलने का प्रयास करते हैं, पहले गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नहीं मान लीजिए कि अगर हमको रीना से मिला तो क्या बोलेगा, गुड आफ्टरनून रीना, गुड आफ्टरनून रीना, गुड आफ्टरनून रीना, थोड़ा सा जगह रहेगा, गुड आफ्टरनून रीना, बोलने का प्रयास करना है क्या सभी लोगों को। देखो स्पोकन का मतलब ही होता है बोलना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, केवल आपको मुंह का, आपके लिप्स का, आपके टंग का प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये मुंह जो है ना अभी जकड़ा हुआ है हिंदी से, ये अभी खुला नहीं है,
अब इंग्लिश में आपको पूरा मुंह क्या हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा, चट 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 चट। अंग्रेजी बोलने वाले चुप नहीं रहता, एक शब्द बोलेगा सामने चट सिन जवाब देगा। आप बोलेगा थैंक यू, तुरंत बोल देगा इट्स ओके, नहीं मे आई हेल्प यू, यस, नहीं आई एम गोइंग टू पटना जू प्लीज हेल्प मी, नहीं। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। मैं कल पटना जू गया था, ऐसे 30 वीडियो बनाए हैं, अभी डाले नहीं हैं, आज डाल देंगे लगता है, आज या कल सबका बना देते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ एक एक चीज का वीडियो बना देता हूँ, ताकि लोग घर पर सही जान जाए कि आखिर है क्या। मेरा मोबाइल हमेशा ऐसे हाथ में रहता है, जहाँ भी घूमने जाते चलते रहता है, रिकॉर्डिंग चालू हो रहती है। चलिए तो या किसमें दिक्कत है, निशा पटेल स्टार्ट करें तो आप बोले जे, एक बार बोला जाए इसे, बोलिए क्या बोलेगा इसको। गुड मॉर्निंग इंडिया, आवाज देखो मधुरता ऊपर से कैसे नीचे आती है, वो बाद में। और एक मिनट, हम समझ रहे क्योंकि आपके दर्द को हमने सुनते सुनते जान गए, ठीक है, वह है इसके बाद लेवल है, ठीक है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है ना, जब समाप्त होगा ना उसके बाद पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं 8 साल स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग दिया हूँ, ठीक है, मैंने कॉल सेंटर का ट्रेनिंग दिया है, इसीलिए मुझे पता है कि आपके अंदर कौन सी क्वेश्चन आने वाली है। दो तरह का देखें, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, क्योंकि जैसे आप अभी क्वेश्चन करेंगे ना सेम का सेम वैसे ही सब करके गए हैं, अनुभव इसी को कहते हैं। एम्स के डॉक्टर और सिंपल डॉक्टर में क्यों अंतर हो जाता है पता है, एम्स में लोग जिंदा हो जाते हैं और बाहर मर जाते हैं, क्यों, क्योंकि वह एक दिन में जितना रोगी देखता है ना उतना शायद ये महीना भर में नहीं देखता होगा, समझे। अब सोचो जो एक दिन में हजारों रोगी देखता होगा, सारा बीमारी आंख के सामने आता होगा कि नहीं रोज, और इसके सामने तो नया बीमारी होगा ना, होगा, तो इसीलिए वहां पे लोग एक्सपर्ट होते, एक बार देखा तुरंत लिख देगा दवाई, बात खत्म। जैसे मैं पटना में दिखाता हूँ, वो है आपका पेट का स्पेशलिस्ट है, वो है विजय प्रकाश, ठीक है, टर्मिनल के सामने है वो, उसके यहाँ पेट का कोई सुनो बीमारी रहेगा तुम चले जाओगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जैसे मेरे पास भी एक बार बीमारी हो गया था, वो गैस्ट्रिक जिसको बोलते हैं, उसमें होता है कि जब खाना आप लेंगे ना उल्टी हो जाएगा या उल्टी करने का मन करेगा, एक रोटी खाएंगे लगेगा उल्टी हो जाएगा, कुछ नहीं खाने का मन करता है, ठीक है, एक कुछ नहीं खाइएगा ज़्यादा उल्टी हो जाएगा, ऐसा वाला बीमारी। सोचो इससे बढ़ के दर्द क्या होगा दुनिया में। मैं दवा खाते खाते थक गया, सब एंजाइम फेंजाइम खिला के पगला दिया, मैं उसके यहाँ गया, सिंपल सा गोल्ड मेडलिस्ट है वो, सिंपल सा हमको दवा दिए एक महीने का, वो भी 128 या 200 का दवा था, फी था, अभी तो ज़्यादा हो गया है, उस समय 200 रुपये फी था, 200 का दवाई दिए, मैं बिल्कुल फ्रेश होके ताज़ा महसूस कर रहा हूँ, को भी अभी तक दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो वो वही अंतर होता है एक स्पेशलिस्ट और एक जनरल टीचर में। अब स्पेशलिस्ट का मतलब ये भी नहीं कि ज़्यादा बूढ़ा लोग भी जो मेहनत नहीं करते वो बढ़िया टीचर नहीं हो पाए, ज़्यादा जवान भी खतरनाक है, ज़्यादा कम उम्र के भी खतरनाक है, क्योंकि गुरु के आदर के ही अनादर कर देता है, वो कहानियाँ खत्म हो जाती है, क्लास चलाने के बदले कोई और कहानी चलने लगती है, तो वो सब भी गड़बड़ है, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो पढ़ेगा सो टीचर का मतलब होता है ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, हमेशा नया सीखने की चाहत ही टीचर है। लेकिन आजकल लोग क्या समझता है, दुकान खोल दिया, सूत के आए, आंख मजैत, अब बस यहाँ पे ला कथी पढ़ाना है रे, बस ये टीचर नहीं है। टीचर का मतलब आप हमको देखिएगा, मैं हड़प्पा सभ्यता पर आता हूँ या इंग्लिश मीडियम सिविलाइजेशन, बाबू अब तो हमको याद है पूरा, एक लाइन से याद है, चाहूँ तो मैं ऐसे ही पूरा पढ़ा दूँ, लेकिन मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं हर दिन का एक रूटीन बनाता हूँ, पहले मैं रात में पढ़ता हूँ 1 घंटा, क्लास में 2 घंटे पढ़ के आता हूँ, जबकि सोचो हड़प्पा पर मेरे पूरे कमांड है, बच्चे का भी कमांड रहता है, क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, अब तो हमें सो के आना चाहिए था लेकिन नहीं छोड़ता, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि नया मिल जाए। प्लस बुक से लगाव रखिए, हर महीने एक पर्सनालिटी से रिलेटेड बुक खरीदिए। मैं कल 3000 का बुक लाया हूँ, स्पोकन बैच स्टार्ट हो गया, मैं बीच में छोड़ रखा था, मैंने पर्सनालिटी से रिलेटेड बुक लाया हूँ, उसको अब पढ़ूंगा। नोबेल पढ़िए, पर्सनालिटी समझ में आया नहीं उसे मायने नहीं रखता है। हर महीने एक किताब पढ़ जाने का आप लक्ष्य बनाइए, एक्स्ट्रा टाइम में उसका मजा आता है पढ़ने। पर्सनालिटी मतलब समझ रहे, दूसरे से कैसे बात करे, अमीर कैसे बने, अमीर पिता क्या सोचते हैं, गरीब पिता क्या सोचते हैं, नहीं लोगों को प्रभावित कैसे करे, ठीक है, जीत आपकी जो शिव खेरा ने लिखा है कैसे होगी, 7 प्रभावशाली लोगों की जो बातें हैं वो क्या है, ऐसा ऐसा वाला किताब पढ़िए, एकदम
लाजवाब। जब पढ़िएगा ना वो सब किताब तब आपका जिंदगी चेंज हो जाए, करेक्ट है। मुझे तो लोग समझता है कि विजय सर ऐसे ही है होंगे कोई, लेकिन उसको क्या पता है, जब मेरे सामने आता है मेरा क्लास करता है तब पता चलता है। मैं ऑफिस में बैठता हूँ कभी किसी को पता नहीं चलता, आते हैं सब कहता है ऐसे होगा कोई, समझ में नहीं करता कि टीचर उचर है, ठीक है। हाँ हाँ तो अब ठीक है, नहीं समझ में आया तभी तो ठीक है, समझ में आने लगे तो तब बेकार है। शादी के बाद जब पत्नी को लोग समझ जाते तभी तब बेकार शुरू होता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा उसी से शुरू होते। अरे नौ है जान पहचान तभी तक मजा है क्या ना है ये, देखते हो शादी से पहले कितना लोग बात करता है, रात रात पर बाप रे लगता है मोबाइल उड़ेगा कि आदमी उड़ेगा। शादी हो गया तो क्या, अभी फोन पत्नी की, अभी रखो फोन, अभी हम बाजार में है। अरे बाप, अरे तो दो मिनट बतिया में की लगे छो, न हम बाजार में न करवो। और अब पहले रुक 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 गाड़ी रोक लगा पहले ना, और रुक के एक घंटा रोडे पर है। शादी के बाद क्या हो जाता है, क्योंकि नजदीकियां बढ़ी दूरियां बढ़ गई, नहीं इसलिए बार बार कहता हूँ कि शादी के बाद 3 महीना ही रहना चाहिए वहाँ पे, 3 महीने के बाद 2-3 महीना रेस्ट करो, और प्लस उसके बाद घूमने के लिए अक्सर जाओ, समझे, खूब घूमो, मजा से घूमो। शादी के बाद 2 साल घूमने का समय होता है, जितना घूम सकते हो घूम लो, उसके बाद नहीं तो शौक शौक ही रह जाएगा, क्योंकि आपकी शौक पूरा करने के लिए कोई और आ जाएगा, नहीं आपको उसी में रहना पड़ेगा। चले आइए, तो आपका गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। हाँ, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले देखो, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं आपके अंदर के हेजिटेशन को हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू रिमूव योर हेजिटेशन फ्रॉम यू। जो आपको अभी जकड़े हुए ना कि बोलने नहीं दे रहा, हम उसी को हटा देंगे, और कुछ नहीं। अंग्रेजी सब बोल सकता है, एवरी वन स्पीक्स इंग्लिश, बट What is the problem? Problem क्या है? समस्या क्या है? समस्या है कि आपके अंदर जो एक बात है कि सामने वाला क्या सोचेगा, नहीं What will think before person? यानी मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो क्या सोचेगा, बस इसको पहले मिटा दीजिए, ये में एकदम डिलीट मार दीजिए कि सामने वाला और कुछ नहीं सोचेगा, वही सोचेगा जो मैं सोचूं। मैं कहूंगा मैं हवाई जहाज पर उड़ूंगा, वो कहते हवाई जहाज पर उड़ो, ना माने खायला है ना करे हवाई जहाज पर उड़ेगा तू, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अंग्रेजी आप बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन आपका काम है कि आप उस हंसी को बर्दाश्त करना, आप एक लीडर बने, एक नेता बने, जिसे नीचे से गालियां पड़ती है, रोरे पड़ते हैं, फिर भी मुस्कुराता है ना, कहता है कि चलो मेरी ही गलती, अपना गलती स्वीकार, ठीक है। तो वही करना है हम लोगों को भी, अंग्रेजी सीखने के लिए बोलना पड़ेगा घर पे, बात बार कह रहे हमें कि बोलना पड़ेगा। तो शुरुआत हो चुकी है आपकी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बोलिए तो गुड मॉर्निंग, आवाज में दम होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे बोलिएगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, और इसको बोलेंगे गुड आफ्टरनून आफ्टर आफ्टर गुड आफ्टरनून, करेक्ट। और उसके बाद समय आती है 5 या 6 बजे शाम से कितना बजे तक, 12 बजे रात तक, ये सब मिलने का समय है, जाने का समय याद रखिए, ये सब कब की समय है, मिलने का समय। तो यहां से शुरू होती है गुड, सब मिल रहा है अभी, नाइट नहीं होगा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, बीच में एकदम बिल्कुल ऐसे गुड इवनिंग, वह साउंड को ठीक कर लीजिएगा, वह वह ना देख रहे हो गोलो के हटेगा वह ना, जैसे अगर बोलना हो विकास तो कैसे बोलेंगे, विकास विकास, अगर आपको बोलना है डब्ल्यू एच वाई यानी इसको पढ़ना है वाई वाई, देखते हो वाई नहीं हुई वाई वाई वाई, ऐसे आएगा साउंड इसका वाई। अगर इसको बोलना, देखो ये सब पूरा बिहारी लोग गलती करते हैं, इसको पढ़ते वट वट वाट नहीं वट वट, डब्ल्यू एच ई आर को हम लोग पढ़ते हैं वेयर वेयर, देखिए र से पहले यहाँ पे आया हुआ है वो बेल, अ होगा आधा तो आ जाएगा वेयर 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 न वेयर, हम सब पढ़ते हैं भेयर भेयर, हम लोग व पढ़ेंगे वेयर विच, नहीं जितना भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हमें एक बार पढ़ के सुनाए, चलिए पढ़िए इसको, क्या है क्या ये, व्हाट 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 इज योर नेम, व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम,
नहीं ऐसे ही चलेगा. व्हाट इज कंबाइंड होके बनेगा व्हाट. व्हाट इज कंबाइंड होके क्या बनेगा व्हाट. व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स नेम और क्रिया आएगा. नहीं व्हाट्स योर नेम आर के पहले भी वोवेल है सब र गायब है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या तो क्या बोलेगा व्हाट्स योर नेम. व्हाट्स योर नेम. माय नेम इज विजय राजपुष्प. नहीं व्हाट्स योर नेम याद रखिएगा व्हाट है उसके बाद इसको क्या पढ़िएगा व्हेन. व्हेन व क्या पढ़ेगा इसको व्हेन. भेन नहीं क्या पढ़ेंगे व्हेन. व्हेन हम बोल रहे हैं आपसे व्हेन आर इसको अगर करते हैं व्हेन आर यू गेटिंग अप. व्हेन आर यू गेटिंग अप. व्हेन आर यू गेटिंग अप ऐसे साउंड आएगा खाली गेटिंग अप सुनेगा. व्हेन आर यू गेटिंग अप. व्हेन आर नहीं होगा आ. व्हेन आर. व्हेन आर यू गेटिंग अप आप कब उठ रहे हैं. आई एम गेटिंग अप एट 9 o'clock मैं 9 बजे उठ रहा हूँ. ठीक है व्हेन अगर रहेगा व्हेन. व्हेन आर यू रेडी आप कब तैयार होंगे. व्हेन विल यू रेडी आप कब तैयार होंगे. तो हम बोलेंगे कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे. आइल आई सेल को आइल आइल रेडी विद इन फ्यू मिनट्स मैं कुछ मिनट के अंदर तैयार हो जाऊंगा. करेक्ट है सब कंबाइंड सेंटेंस एक जगह चिपक जाता है एकदम चिपका जैसे ना रहता है. देखोगे जुलवा का काम करता है वो लकड़ी को देखिएगा ऐसे एन से बांधता है एन से एकदम चिपका कॉस देता है वही कॉस देना है नॉट से एकदम. व्हेन आर यू गेटिंग अप. ठीक है व्हेन डू यू गेट अप आप कब उठते हैं. आई गेट अप एट नहीं 5 o'clock इन द मॉर्निंग. आई गेट अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग मैं 5 बजे सुबह में उठता हूँ. प्रैक्टिस करना है कुछ नहीं है आप क्वेश्चन करने के लिए ही सब शब्द का प्रयोग करेंगे. घर पे अब अपना बनाना पड़ेगा. ठीक है कहेगा मुझे ग्रामर नहीं आते. ग्रामर इज नो इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश स्पोकन. बिना ग्रामर का इंग्लिश बोलना सीखेंगे समझे. कैसे बोलेंगे हाउ टू स्पीक जस्ट लाइक वी हैव लर्नड हिंदी. हम लोगों ने जैसे हिंदी सीखा है वैसे ही अंग्रेजी सीखेंगे. इट्स अ सिंपल फंडा. द सिंपल फंडा इज वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश अ लॉट ऑफ टाइम. ज्यादा से ज्यादा समय क्या करेंगे अंग्रेजी में बातें करेंगे. कैसे बात करेंगे रेडियो पर चलाएंगे मोबाइल पर चलाएंगे कौन चीज इंग्लिश. धीरे 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 क्या हो जाएगा. उसके बाद आप क्या करेंगे रिकॉर्डिंग लगाएंगे अपनी आवाज को सुनेंगे. सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा पूछने आ जाएगा. अभी तो स्टार्टिंग है ना तो इसका प्रयोग आना चाहिए. जनरली जो आप लोग करते हैं ये तो पता आ गया. व्हाट व्हाट मींस होता है क्या. व्हाट मींस क्या. व्हेन. व्हेन मींस कब. व्हाई. व्हाई मींस क्यों. वेयर. वेयर मींस कहां. वेयर इसको पढ़िएगा वेयर. वेयर. हु. हु मींस कौन. नहीं हु मींस कौन. और एक आता है विच. विच. विच मींस भी होता है कौन या कौन सी. हाउ. हाउ मींस कैसे. हुम किन्हें. आप किन्हें जानते हैं. हुम डू यू नो. आप किन्हें जानते हैं. आई नो एवरीवन. मैं सबको जानता हूं. एवरीवन इज माय नेबर. सभी मेरे क्या है पड़ोसी है. आई लाइक वेरी मच. मैं बहुत पसंद करता हूं. नहीं तो ये सारे चीज है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. हाँ अभी तो क्लास में है. हम यहाँ पे है कोचिंग पर. नहीं यहाँ गाजीपुर जो संत पोप के सामने है. ठीक ओके कोई काम है. ठीक है तो आइए ना गेट पर आ जाइएगा डायरेक्ट कॉल कीजिए. हाँ वो दूसरा होता है. हाँ वो जादूगरनी जिसको बोलते हैं जादूगरनी. जादूगरनी एक और बीच होता है. चलिए तो ध्यान दीजिए. अब इसको आपको बोलना पड़ेगा घर पे. क्या बोलना है. व्हाट से सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा घर पे. जैसे आपका नाम क्या. व्हाट्स योर नेम.
आपका नहीं, आप अगर बोले कि आपका पसंद क्या है, व्हाट्स योर, व्हाट्स योर पसंद का क्या बोलेगा, व्हाट्स योर लाइक या व्हाट इज योर लाइक, नहीं या सिंपल बोलता है व्हाट्स योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, नहीं इससे बनाइएगा बहुत सारे सेंटेंस। हिंदी में पहले लिखिएगा आपका नाम क्या है, आपका पसंदीदा रंग क्या है, आपका पसंदीदा मोबाइल क्या है, आपके पसंदीदा शिक्षक कौन है, आपके पसंदीदा गांव कौन सा है, क्या वाला जितना भी है ना, नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट्स नहीं गोइंग ऑन इन योर माइंड, नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वाला केवल, क्या तुम शिक्षित हो, आर यू एजुकेटेड, क्या तुम बीमार हो, आर यू नहीं इल या सिक, क्या वाला बनाना है, वेन का प्रयोग करना है, वेन कब का, नहीं शुरुआत करिएगा जैसे आप कब जा रहे हैं दिल्ली, वेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप कब मुझसे मिलने आ रहे हैं, वेन आर यू, नहीं अगर आपको बोलना हो कि आप कब हमसे मिलने आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, वेन आर यू कमिंग टू मीट मी, कमिंग टू मीट मी, बोले कि आप कब शादी करेंगे, वेन विल यू मैरी, बोले कि आप कब अंग्रेजी सीखेंगे, वेन विल यू लर्न इंग्लिश। अब कहेगा तीन तो वर्ड ही आते हैं, है वाले में इज एम आर, था वाले में वज वर और गा गे गी में शैल विल, ठीक है लेकिन एक दिन में तो मैं नहीं करा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करना है। वाई क्यों, आप क्यों उदास है, वाई आर यू सैड, आप क्यों बीमार है, वाई आर यू इल, आर को आ करिएगा, बोले कि आप क्यों मुस्कुराते हैं, नहीं आप क्यों मुस्कुराते हैं, Why do you smile? नहीं आप क्यों चिंतित है, Why are you? या Why are you worried? उसके बाद where? आप कहां से है, Where are you from? Where are you from? कहां से हैं आप, बोले I'm from बसंतपुर, I'm from बंसी, I'm from उपरौल गाजीपुर, जो करना I'm from, या I belong to, Where do you belong to? आप कहां से के निवासी हैं, I'm belong to, गांव का नाम दे दीजिएगा। Who आप कौन है, Who are you? आई एम फेमिलियर विद यू, मैं आपसे परिचित हूँ, कैसे परिचित है, नहीं अगर कह के कैसे परिचित, हाउ आर यू फेमिलियर विद मी, आप मुझसे कैसे परिचित है, हम बोले कि एक बार वंस अपॉन ए टाइम आई वेंट टू द मैरिज ऑफ पूनम, पूनम के शादी में मैं गया था, नहीं और आई हैव सीन यू इन फ्रंट ऑफ स्टेज, मैंने क्या देखा था, आपको स्टेज के सामने देखा था, मुझे लगा आई फील यू आर माई नहीं नेबर, आप मेरे पड़ोसी है, बट आई एम वेरी कन्फ्यूज, मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया जब मुझे पता चला, वेन आई नो मैं मुझे पता चला कि यू आर नॉट फैमिलियर विद मी, कि आप मेरे परिचित नहीं है, यू आर नॉट माई नेबर, मेरे आप पड़ोसी भी नहीं है, करेक्ट है, पहले इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर बात करें। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मिलने के लिए आप यूज करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, समय के अनुसार। आपका जो सवाल था उसका मैं पहले जवाब दे दूं, ठीक है, इसको पहले मैं हटा दूं। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा ये जो WH दिए है ना उस पर आप लोग अब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, ठीक है, इससे कम से कम दो दो सेंटेंस आप लोग आज क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा तो फिर कल हम लोग हाजिर रहेंगे। हाँ अब सवाल आती है, देखिएगा अब मन में आती है कि जो ग्रीटिंग्स होता है, अभिवादन होता है नहीं इंग्लिश में, वहाँ पे दो तरीके से अभिवादन किया जाता है, ध्यान दो बच्चे लोग, एक होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स और एक होता है जिसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इनफॉर्मल एंड द फॉर्मल ग्रीटिंग्स, तो देखिएगा मेन डिफरेंस क्या होता है कि इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स वैसे ग्रीटिंग्स को कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की मेकअप की जरूरत नहीं होती, मेकअप का मतलब है कि किसी भी प्रकार के सोचने की जरूरत ना हो, क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता, मतलब यह हमेशा अपने से छोटों के साथ, यंगर्स अपने से छोटों के साथ, अपने परिवार के मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ या वैसे रिश्ते जिसमें चलती है क्रैकिंग जोक्स, हंसी मजाक चलती है,
उनके साथ ये चलता है, कुछ भी बोल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कोई सोचने, जैसे घर पर आप बैठे हुए हैं तो क्या आप पूरा मेकअप के साथ पूरा ड्रेसअप के साथ बैठेंगे? जैसे मन तैसे बैठेंगे, हमारी मर्जी नहीं, ठीक है। इसलिए तो गेट बंद रहती है कि घर में मत जाओ, महिला है, कौन से ड्रेस में होगा कोई पता नहीं है किसी को, क्या? इसलिए एक सेपरेट रूम होते हैं सबका, नहीं तो इसमें किसी भी सजावट की जरूरत नहीं, जैसे मन किया वैसे हम रहेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें एक ड्रेसअप की जरूरत होती है, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा शालीनता की जरूरत होती है, किसके सामने क्या बोल रहे हो आपको तमीज आनी चाहिए। नहीं तो ये कब यूज करोगे, अपने से वरों के साथ यूज करना है, ठीक है, या ऑफिशियल लोग जो होते हैं वो आपसे छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं रखता है, ऑफिशियल लोगों के साथ फॉर्मल ग्रीटिंग्स होगा, अपने बड़ों के साथ, ऑफिशियल लोगों के साथ, और बड़ा में भी अगर कोई मजाकुआ आदमी है तो फिर चलेगा, यही में चल जाएगा, नहीं। लेकिन ऑफिस के लोगों के साथ, टीचर के साथ नहीं, या इन सबके साथ हमेशा कैसा लैंग्वेज यूज करना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। इसमें क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज में आप वही ग्रीटिंग्स यूज करेंगे जो मैंने पढ़ाया, सुबह का टाइम रात 12 से रात सुबह सॉरी रात से लेकर 12 बजे दिन तक गुड मॉर्निंग बोलना है आपको, 12 बजे से लेकर शाम 12 बजे दिन से लेकर 5 या 6 बजे शाम तक आपको बोलना है गुड आफ्टरनून, किसमें, फॉर्मल में, और शाम में गुड इवनिंग का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या करें, ज्यादा कोशिश करो टाइम से ही बात करें, क्योंकि अच्छी आदतें ही अच्छी आदत को जन्म देगी। इसमें कहा जाता है कि जब फर्स्ट मीटिंग हो, ठीक है, आप किसी से पहली बार मिलते, इफ यू मीट समवन फर्स्ट टाइम इन अ डे, किसी भी दिन में अगर पहली बार मिल रहे हो, चाहे वह रात 12 ही क्यों ना बज रहा हो, गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेगा, फर्स्ट मीटिंग में गुड मॉर्निंग का प्रयोग होगा, दूसरी बार मुलाकात होगा फिर वैसे ही चलेगा, समय के अनुसार गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग चलेगा। लेकिन पहली मुलाकात अगर 11 बजे रात में हो, 12 बजे दिन में हो या सुबह में हो, हमेशा गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, करेक्ट है। लेकिन मैं इसको क्यों यूज करूं, क्यों यूज करूं, ठीक है, क्यों यूज करूं, मेरे को यही अच्छा लगता है, मैं इसी के अनुसार यूज करूंगा, ठीक है। कभी भी इंटरव्यू में आप 12 बजे गुड मॉर्निंग अगर बोल देते हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। जैसे आप बोलते हैं कि जरा सुनिएगा, नहीं, और बोलते रहे सुन इधर, यही अंतर है दोनों में, समझे। ये बोल रहा है रे पर रे ना सुप्रभात, ठीक है, लेकिन यहां पे आदर सूचक होती है। तो आप क्या करें, इनफॉर्मल में पहली बार मिलते हैं, गुड मॉर्निंग का प्रयोग होता है हमेशा, जब भी मिले टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरी बार मिलेगा तो फिर टाइम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पहली बार मिले, दूसरी बार मिले, तीसरी बार मिले, कोई मायने नहीं रखता है, आपको समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। समझ में आपका क्वेश्चन नहीं ना था, तो ये पहला क्वेश्चन का जवाब मिला कि हम लोग पहली बार जब किसी से मिलते हैं तो अगर इनफॉर्मल में है तो गुड मॉर्निंग का ही प्रयोग करें, लेकिन फॉर्मल में समय के अनुसार यूज करें। समझ रहे हो सुष्मिता, अगर दोपहर 12 बजे के बाद होगा तो गुड आफ्टरनून ही पहली बार भी बोलेंगे, 5-6 बजे के बाद अगर होगा तो हम लोग गुड इवनिंग ही बोलेंगे, कोई दिक्कत है, तो ये दूसरा स्टेप है, कोई दिक्कत। लेकिन हम इसको क्यों यूज करें, हम रे तो काहे बोले आपको, हम इज्जत से बोलेंगे हमेशा, ताकि मेरा भी इज्जत बना रहे, नहीं तो ज्यादा अच्छा है कि आप किस लैंग्वेज का यूज करें, हमेशा फॉर्मल, फॉर्मल, र के पहले वोवेल फिर हाजिर है, ठीक है, र को हटा दो, फॉर्मल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर जब हमको गुड मॉर्निंग कोई बोलेगा तो क्या जवाब देंगे, और विदा लेंगे तो क्या जवाब देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब ग्रीटिंग्स का रिप्लाई कैसे देना है ये भी समझ लो। देखो बच्चे लोग, आपने सिंपल सीखा, अगर किसी ने आपको कहा गुड मॉर्निंग, नहीं आपको कहा गुड मॉर्निंग रानी, तो आपका जवाब आना चाहिए था गुड मॉर्निंग,
गुड मॉर्निंग रिया, यही ना आएगा? यानी ये था आपका क्वेश्चन और ये आया आपका रिप्लाई। रिप्लाई बोलते आंसर लिख के दी जाती है नहीं? तो गुड मॉर्निंग रानी, गुड मॉर्निंग रिया, और रिया बोलेगी लेकिन यहां रुकेगी नहीं, तुरंत क्वेश्चन दाग देगी। क्या? हाउ आर यू, कैसी हो? तुरंत यहां से जवाब आएगा किसका? ये है आपका रानी और ये है आपका रिया, और फिर आ जाएगी यह है रानी रिया, रानी ना, रानी कहेगी आम 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 फाइन, आम फाइन एंड यू, आम फाइन एंड यू, आप कैसी है? तो रिया का जवाब आएगा आई एम को बोलेगा आम आल्सो फाइन, या जवाब आएगा आई एम यानी आम आम प्रिटी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम प्रिटी वेल, ठीक है, या आई एम ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, या आई एम शो शो ठीक है ठाक है ना, अच्छे है ज़्यादा ना खराब है, चल रहा है, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम प्रिटी वेल, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम शो शो, ठीक है। तो इसमें से आप जो चाहे यूज करे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहां से रानी ये तो बोल दी लेकिन चुप तो रहेगी नहीं, फिर क्वेश्चन आपसे डालेगी, पूछेगी हाउ इज इट योर प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो तुरंत ये जवाब देगी शो शो ठीक ठाक है, एंड योर्स और आपकी कैसी चल रही है, योर्स यहाँ पे आपकी कैसी चल रही है, तो बोलेगी कि मेरी तैयारी जो है यानी मेरी जो प्रिपरेशन है वो ठीक ठाक तो चल रही है लेकिन आई हैव सम प्रॉब्लम, कोई सब्जेक्ट में बता देगी, बोलेगी माई मैथ इज सो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बट आई हैव यानी आई हैव को आईव पढ़ते आईव, सम डिफिकल्टी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मुझे क्या है परेशानी है, ठीक है। अब ज़्यादा ही रास्ता में बात कर रहे थे, हड़बड़ा ले दोनों, चलो कहती है ठीक है तो नहीं बोलेगा यहाँ से, अब ऐसे ही बाय नहीं होगा, अंग्रेजी है। आप मिलने के समय गुड मॉर्निंग कहे थे और अब जाने के समय कहेंगे, क्या कहेंगे समझो, बोलेगा सबसे पहले यहाँ पे आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, बराई नहीं करोगे, ठीक है, मुझ आपसे मिलकर यहाँ बोलेगी आई एम प्लीज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी, फुला दिया चढ़ा दिया, तो रिया कह रही है ठीक है। अब रिया क्या करेगी, शेम हेयर, मुझे भी खुशी, तुमको ही नहीं हुआ हमें भी खुशी, सेम हेयर, ठीक है, यहाँ पे सेम हेयर का प्रयोग, ठीक है, या सेम टू यू भी करोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन सेम हेयर अच्छा वर्ड माना जाता है, सेम टू यू भी लोग बोलते हैं, सेम हेयर ये ज़्यादा अच्छा है, हेयर को हेयर पढ़ते हैं लोग, हेयर हेयर र नहीं बोलेंगे, सेम हेयर। अब यहाँ से रानी कहेंगे, क्या कहेगी, ओके ठीक है, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कहना कहें मंडे को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे, हम मंडे को मिलते हैं, रविवार को मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे, नहीं अगर आपको कहना हो कि हम अगले मंथ मिलेंगे, सी यू इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे, सी यू इन नेक्स्ट ईयर, बोले कि शादी के दिन मिलेंगे, सी यू नहीं ऑन मैरिज डे, मैरिज ना अगले तो नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ
मुबारक हो। चले अब चुप तो रहेगी ना बाबू, चुप नहीं रहेगा इंग्लिश वाला, बोलते जाएगा वो बीदो लेगा तो आराम से नहीं। देख लो सी यू अगेन, तो रानी कहे, रिया कह रही है तो ये करेगी ठीक है, ये बोलेगी ओके है ना, तो क्या बोलेगी बाय, ये बोलेगी बाय, लेकिन अभी बाय ना करवाओ इसको रुको ठीक है ओके, ये बोलेगी सी यू सुन जल्द मिलते हैं, सी यू सुन जल्द मिलते हैं। अब यहां से रानी बोलेगी, अब यहां से क्या बोलेगी पता है, अब यहां से कहेगी हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा, आपका दिन मंगलमय हो, आप ना बोलते कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये बोलेगा। देखो जाने के समय ये शब्द आएगा हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, तो यहां बोलेगा वही फिर सेम है आपका भी। अब रानी कहेगी ओके, तो अब ये रानी ना है तो ये रिया है, रानी है, रिया बोलेगी, अब बोलेगी बाय बाय, लेकिन ये कैसे बोलती है भी सुनो, ऐसे नहीं बोलेगी, अब उधर से ऐसे आती है ना ऐसे बाय बाय, कब तक चलेगा, जब तक आंख से दूर नहीं हो जाएगा चलते रहेगा ठीक है, बाय बाय करेगी। जनरली हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, हम लोग बोलेंगे बाय बाय, बात खत्म। जी यहाँ देखिएगा, तो ये आपका ओके बाय बाय। हाँ देखो इसका सबसे अच्छा नजारा कब मिलता है, मान लीजिए कि किसी, देखो मेरे क्लास में बाबू शादी का बात बहुत चलेगा, याद रखना। हाँ बोले सुष्मिता, बाय बोले क्यों नहीं बोलेगा, बाय बोले अलविदा नहीं है ये, कभी अलविदा ना कहना वो नहीं है, ये बाय का मतलब होता मैं आपसे विदा लेता हूं, मुझे अनुमति दिया जाए, और वो बाय होता है सदा के लिए बाय वाला, वो अलविदा है, अलविदा का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां इतना कर लीजिएगा आप लोग ठीक है। हाँ बता रहे थे कि जैसे मान लो किसी का नया नया शादी हुआ है बिल्कुल, और वो पत्नी जो ऐसे पति को ट्रेन पर बैठाने के लिए गई हुई है, ट्रेन पर यहां ना, अब देखना तुम नजारा मिलता है, भावना समझो, वीडियो तैयार हो रही है। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले वहां पर इमोशन समझो, वहां पे क्या होती है कि जब वहां पे गप नहीं, बीच में बिल्कुल गप नहीं, वीडियो तैयार हो रही है, पूरा दुनिया देखेगा। तो ध्यान रखिएगा वहां पे जैसे ही वो जो लड़की है अपने पति को गाड़ी में बैठा देती है, पति खिड़की से देखते रहता है, तो उसके बाद अंदर कर दीजिए, तो क्या है कि वो देखती रहती है, और जैसे ट्रेन खुलती है एक सुंदर सा देखना ऐसे आता है ना, आराम से बाय बाय उधर से भी दोनों, तब तक ये चलते रहता है जब तक वो गाड़ी आंख से ओझल न हो जाए, प्रेम हो ना है, काश वैसा ही सब दिन रहता। चलिए तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए और फिर बात करते हैं, नोट करिए। जी यहाँ पे जरूरी है, एक मिनट गपने, क्वेश्चन जब टीचर से पूछे जाते हैं तो आप लोग ना बोले क्या, यही सिस्टम कहता है, क्योंकि यहाँ पे रानी बोल रही है तो किसको गुड मॉर्निंग बोलेगी, रिया को बोलेगी, और अब रिया किसको गुड मॉर्निंग बोलेगी, रानी को बोलेगी। थैंक्स फॉर गुड सजेशन। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वही।